दोस्तों आप सबने ब्लैक पैंथर के बारे में तो जरूर सुना होगा। ब्लैक पैंथर दुनिया के सबसे ज्यादा दुर्लभ जानवरों में से एक है। दुर्लभ होने की वजह से लोगों के बीच इसे जानने की क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहती है, लेकिन इंसान इसके जितने करीब होने की कोशिश करता है ये उससे उतनी ही दूरी बनाकर रखता है। इस वजह से आज भी आम लोगों के बीच ब्लैक पैंथर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के अलावा आपने द जंगल बुक में ब्लैक पैंथर के किरदार को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी रियल लाइफ में ब्लैक पैंथर को देखा है? चलो आपने किसी वीडियो में इसको देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इसका रंग गहरा काला क्यों होता है, ये इतने रेयर क्यों है? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में आपको ब्लैक पैंथर के बारे में वो सभी बातें बताते हैं जिन्हें जानकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए और साथ में बगल में दिख रही घंटी को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस ब्लैक पैंथर के पीछे दुनिया दीवानी है वो खुद कोई प्रजाति है ही नहीं। हम जिस ब्लैक पैंथर को जानते हैं वो या तो लेपर्ड या फिर जगुआर प्रजाति का होता है। अब आप सोच रहे होंगे जब ये लेपर्ड या जगुआर प्रजाति का जानवर है तो फिर इसका रंग इन जानवरों से इतना अलग क्यों है? इस सवाल का जवाब है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन की वजह से ही इसके शरीर का रंग पूरी तरह से बदल जाता है और फिर इनकी पहचान एक नए जानवर ब्लैक पैंथर के रूप में होती है। अपने मूल प्रजाति से अलग कलर विकसित करने वाले इन जानवरों को साइंटिफिकली मेलानिज्म जानवर के नाम से जाना जाता है। यदि हम ब्लैक पैंथर के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इसका जिक्र 1788 में जीन क्लॉडे जेलामेथिर ने किया था। जेलामेथिर ने बताया था कि टावर ऑफ लंदन में एक ब्लैक लेपर्ड रखा गया है जिसे बंगाल से लाया गया था। वहीं फिलिक्स डे अजारा ने 1801 में पराग्वे के पराना नदी के पास स्थानीय लोगों द्वारा ब्लैक जगुआर को देखने की बात कही थी। 1809 में जॉर्ज क्यूवियर ने फ्रांस के जू में रखे गए ब्लैक लेपर्ड के बारे में बताया था। इस ब्लैक लेपर्ड को इंडोनेशिया के जावा आइलैंड से ले जाया गया था। पहली बार नजर आने के बाद से अब तक ब्लैक पैंथर को दुर्लभ ही माना जाता है, क्योंकि ये अपनी झलक शायद ही कभी दिखाते हैं। तेंदुए की कुल 5 स्पीसीज में मेलानिज्म के केस देखे गए हैं, यानी तेंदुए की कुल 5 सब स्पीसीज ऐसी हैं जो ब्लैक पैंथर के रूप में विकसित हो सकती हैं। इन 5 सब स्पीसीज में इंडियन लेपर्ड, जावन लेपर्ड, अफ्रीकन लेपर्ड, इंडो चाइनीज लेपर्ड और श्रीलंकन लेपर्ड है। तेंदुए के अलावा साउथ और सेंट्रल अमेरिकी देशों के जंगलों में पाए जाने वाले जगुआर में भी मेलानिज्म के केस देखे गए हैं। लेपर्ड और जगुआर दोनों के ब्लैक नस्ल को ब्लैक पैंथर के नाम से ही जाना जाता है। ब्लैक पैंथर के रंग रूप और शारीरिक बनावट की बात करें तो ये काफी हद तक तेंदुए और जगुआर के जैसे ही होते हैं। इसके शरीर की ऊंचाई 70 से 76 सेंटीमीटर और शरीर की लंबाई 1.2 से 2 मीटर तक होती है। इसका वजन आमतौर पर 60 से 70 किलोग्राम तक का होता है। इनका जीवन काल 12 साल का होता है, लेकिन अगर इनको कैद में रखा जाए तो फिर ये 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। ब्लैक पैंथर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ लगा सकते हैं और शिकार को पकड़ने के लिए 20 फीट तक जंप कर सकते हैं। ब्लैक पैंथर के शरीर के रंग की बात करें तो वो तो आप सब जानते ही हैं। इनका शरीर गहरा काले रंग का होता है और इनकी त्वचा में हल्की शाइनिंग भी होती है, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ब्लैक पैंथर के शरीर पर भी सामान्य तेंदुओं की तरह छोटे छोटे येलो या ब्राउन रंग के स्पॉट्स बने होते हैं। वेल, जब आप दूर से ब्लैक पैंथर को देखेंगे तब आपको ये स्पॉट्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब आप इसके बेहद करीब जाएंगे या फिर जब हाई रेजोल्यूशन कैमरा से इसकी तस्वीर ली जाएगी तब वो स्पॉट्स आपको दिखेंगे। इसकी आंख का रंग पीला या फिर हरा होता है। इसकी आंखें काफी चमकदार होती हैं, खासकर अंधेरी रातों में इसकी चमक देखते ही बनती है। दोस्तों वीडियो देखते देखते आप ये भी बता दीजिए कि आप हमारी वीडियो किस राज्य, किस जिले या फिर किस गांव से देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ब्लैक पैंथर दिन भर आराम करते हैं और रात में शिकार पर निकलते हैं। ये काफी माहिर शिकारी होते हैं और इनका वार शायद ही कभी असफल होता हो। आमतौर पर ये छोटे जानवरों का ही शिकार करते हैं। एक बार भरपेट खाना मिल जाए तो फिर ये अगले 4-5 दिन तक शिकार नहीं करते हैं, और यदि इन्हें भरपेट खाना नहीं मिला तो फिर ये बड़े जानवरों का भी शिकार करते हैं। बड़े जानवरों में आमतौर पर हिरण शामिल होता है, लेकिन यदि हिरण ना मिले तो ये फिर गाय और भैंस जैसे जानवरों पर भी हमला करके उसकी जान ले सकते हैं। इनकी भूख जितनी ज्यादा होती है ये उतने ही खतरनाक होते हैं। साथ ही ब्लैक कलर होने की वजह से अंधेरे में शिकार करने का इन्हें काफी फायदा मिलता है। इन्हें छुपकर वार करने में काफी आसानी होती है, क्योंकि इनका शरीर दूसरे जानवरों को आसानी से नजर नहीं आता।
ये जानवर के बेहद करीब जाकर भी वार कर सकते हैं और दूसरे जानवर को खबर तभी मिलती है जब उस पर हमला हो चुका होता है। ब्लैक पैंथर्स हमेशा अकेले ही रहते हैं, अकेले ही शिकार करते हैं और उसे अकेले ही खाते हैं। रात में शिकार करके दिन में ये पेड़ की टहनियों पर आराम करते हैं। पेड़ पर चढ़ने में इनको महारत हासिल होती है। हमेशा अकेले रहने वाले ब्लैक पैंथर अपनी प्रजाति के दूसरे जानवर से तभी मिलते हैं जब उन्हें प्रजनन करना हो। यदि नर और मादा दोनों ब्लैक हों तो फिर ब्लैक पैंथर का ही जन्म होता है, लेकिन यदि ये अपनी प्रजाति के सामान्य रंग के जानवर के साथ प्रजनन करते हैं तब हमेशा सामान्य रंग के बच्चे ही जन्म लेते हैं। पीले रंग के तेंदुए का जीन ब्लैक पैंथर के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसी वजह से जब ब्लैक पैंथर अपनी प्रजाति के सामान्य रंग के जानवर के साथ प्रजनन करते हैं तब बच्चे पीले रंग के साथ ही विकसित होते हैं। ब्लैक पैंथर का गर्भकाल 90 से 95 दिनों का होता है। जब बच्चे के जन्म का समय आता है तब मादा ब्लैक पैंथर दूसरे जानवरों की आवाजाही से दूर किसी सुनसान जगह पर चली जाती है। आमतौर पर एक मादा ब्लैक पैंथर 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चे का वजन 500 ग्राम तक होता है। इनकी आंखें बंद होती हैं। इनके शरीर पर ग्रे रंग का रोंवा होता है। जब तक बच्चे अपनी आंखें नहीं खोल लेते हैं तब तक मादा ब्लैक पैंथर उनसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होती। इस दौरान बच्चे का पिता यानी नर ब्लैक पैंथर भी उनके साथ होता है, लेकिन उसे बच्चे के पास जाने की इजाजत नहीं होती है। मादा ब्लैक पैंथर के लिए खाने का इंतजाम नर ब्लैक पैंथर ही करता है। लगभग 10 दिनों के बाद बच्चे अपनी आंखें खोलते हैं और उसके बाद मादा ब्लैक पैंथर बाहर जाना शुरू कर देती है। जन्म के 2 से 3 सप्ताह के बाद बच्चे टहलना शुरू कर देते हैं और लगभग 2-3 महीने के बाद वो मांस खाना भी शुरू कर देते हैं और इस समय माँ के साथ शिकार पर भी जाने लगते हैं। इसी उम्र में वो छोटे छोटे जीवों का शिकार करना भी सीख जाते हैं। शिकार करने के साथ ही मादा ब्लैक पैंथर अपने बच्चों को सबसे पहले पेड़ पर चढ़ना सिखाती है। ब्लैक पैंथर के बच्चे अपनी माँ के साथ 2 साल की उम्र तक रहते हैं, उसके बाद उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। दुनिया में ब्लैक पैंथर की मौजूदगी की बात करें तो साल दर साल इसे कहीं ना कहीं जरूर देखा जाता है। साल 1996 से 2009 के बीच थाईलैंड के करास्थमस में 16 बार ब्लैक पैंथर्स को देखा गया। साल 2004 में मैक्सिको में भी ब्लैक पैंथर को देखा गया। साल 2010 से 2019 के बीच कोस्टा रिका के अल्बर्टो मैनुअल ब्रांस बायोलॉजिकल रिजर्व में 26 बार ब्लैक पैंथर्स देखे गए। इसके अलावा 2019 में केन्या में लगभग 100 साल के बाद ब्लैक पैंथर देखा गया। भारत की बात करें तो हमारे देश में असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में ब्लैक पैंथर ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। उड़ीसा में पहली बार 1993 में ब्लैक पैंथर को देखा गया। उसके बाद साल 2018 में छत्तीसगढ़ में इसको देखा गया। साल 2019 में कर्नाटक के जंगल में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक ब्लैक पैंथर को घूमते हुए देखा गया और अभी इस साल मई महीने में गोवा के नटरावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एक ब्लैक पैंथर को देखा गया। सामान्य तेंदुए के मुकाबले ब्लैक पैंथर की ब्रीडिंग काफी मुश्किल है, साथ ही इनकी प्रजनन क्षमता भी काफी कम होती है। इस वजह से ब्लैक पैंथर हमेशा ही दुर्लभ जानवरों की श्रेणी में रहा है। क्या आपने कभी किसी ब्लैक पैंथर को देखा है? और नहीं देखा तो फिर क्या आप इसको देखना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्लैक पैंथर के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।